महिला आईपीएल का भी होगा आयोजन। जब से महिला वुमेन टी20 चैलेंज ट्रॉफी शुरू हुई है, कई दिग्गज महिला आईपीएल की मांग कर चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अब इस पर बड़ी अपडेट देते हुए कहा है कि इस बार भी मई में एक बार फिर वुमेन चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन होगा। गांगुली ने साथ ही यह साफ किया कि आने वाले समय में महिला आईपीएल का भी आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया आने वाले समय में 8 टेस्ट मैच खेलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ने दाखिल किया नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को सराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मंझनपुर स्थित कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। केशव प्रसाद के साथ सराथू के निवर्तमान विधायक लाल बहादुर के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष अनिता मौजूद रही। बसपा ने सीमा कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। सीमा कुशवाहा के बसपा ज्वाइन करने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट में लिखा था, बहुजन समाज में जन्मे सभी पूज्य संत व महापुरुषों एवं आदरणीय बहन मायावती के विचारों से प्रेरित होकर महिलाओं को न्याय दिलाने व उनके अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करने वाली सीमा कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। सीमा कुशवाहा उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली हैं। वे दिल्ली के निर्भया मामले में पीड़ित पक्ष की वकील थीं और उन्होंने कानून लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया था। लखीमपुर में शहीद हुए किसानों की याद में आज अखिलेश ने की शहादत दिवस मनाने की अपील। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लखीमपुर कांड को चुनावी मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। किसानों की समस्याओं और यूपी के चर्चित लखीमपुर कांड को समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में पूरी प्रमुखता से उठा रही है। लखीमपुर में किसानों की मौत को सपा शहादत दिवस के रूप में मना रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने आज 3 फरवरी को सपा कार्यकर्ताओं से लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाए जाने की अपील की। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में आज किसानों की शहादत को याद करें। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने शख्स ने आज जान देने की कोशिश की है। यह घटना उस वक्त हुई जब सिंह यूपी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। घटना मुंडेरा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बीजेपी कार्यालय की बताई जा रही है। शख्स मंत्री की तरफ बढ़ा था, तभी उसे दबोच लिया गया। सिंह यूपी में कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं।